मन को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation. We have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही CBI के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another Malhotra, the status report may be sealed again, Malhotra, and retained in your lodge. Same for us. पूरा कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले CBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई। पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसमें CBI ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि FIR ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। CBI के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया, और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार ये भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के RGKR अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहाँ 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन FIR दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए पोस्टमार्टम कब हुआ था। सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं, तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:30 FIR हुई। सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है,
और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 12:45। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और FIR दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 12:45 हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, पुआर प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4:30 उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था जो सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ। आगे कहते हैं कि क्या CBI से कोई अधिकारी आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं तो जज डोटूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है, सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको देख वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। FIR से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज है। अब आप खुद समझिए सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच CBI को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस और उसी जांच में अब CBI को क्या मिलेगा, अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। CBI ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है।